अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर सुबह टाउन में हुई, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। आज मेरा जो नेफ्यू है वो आ रहा है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक प्रोसीजर होगा। तो मेरी बहन और मेरा नेफ्यू जो है वो ट्रेन पर बैठ गए और बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो अक्सर ये होता है कि वो जल्दी आ जाती है और मैं बाद में आती हूँ, तो आज मैंने सोचा मैं जल्दी आ जाती हूँ। तो बस यहाँ से मुझे नेक्स्ट पे वही जो कल मैंने आउटफिट्स उठाए थे वो घर गई तो कुछ ज़्यादा सेट नहीं आए, और एक जो ड्रेस मुझे पसंद था वो पूरा बैकलेस था, जो पिक्चर में नज़र नहीं आया। तो घर ले गई थी कि शायद मैं उसको फिक्स कर लूँ, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा। वो इस अंदाज से स्टिच हुआ हुआ है कि अगर उसको छेड़ा तो वो फ़ायदा नहीं है। तो अभी पहले चल के वो वापस करती हूँ और फिर सीधा ट्रेन स्टेशन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनको रिसीव करूँ। पर अब देखती हूँ यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट में ना कलेक्शन जो है ना सेकंड फ्लोर वुमन सेक्शन में होती है, तो अभी ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और सीधा ऊपर चल के ये वापस करती हूँ, और फिर ना वहीं से ऊपर फिर से थर्ड फ्लोर पे चली जाऊंगी और वहीं से बाहर निकल लूँगी और उनका वेट करूंगी। पता नहीं, इतना तो पता है वो ट्रेन पे बैठ गए हैं, तो दो चार स्टॉप्स ही हैं तो वो आ जाएंगे। तो बस ये कि ट्रेन स्टेशन काफ़ी बड़ा है तो कहीं पे खड़ी हो जाऊंगी, उनका वेट कर लूँगी मैं। तो एक्साइटेड भी हूँ काफ़ी, ऐसे बात उसको देख रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिनों बाद। तो हाँ, लेकिन छोटा पता नहीं पैनिक हुआ हुआ होगा कि ऑब्वियसली उसकी वो हॉस्पिटल में है, तो देखते हैं। इसके साथ थोड़ा सा इंजॉय करेंगे जब तक वो ऑब्वियसली उसके साथ जो वो बेहोश वगैरह उसको करेंगे एनेस्थीसिया देख के, तो उसके बाद तो उसको बड़ी मुश्किल से वो लेके जाएगी घर। तो हाँ, देखते हैं। काफ़ी जल्दी हो गया, अभी सुबह सुबह रश नहीं है तो रिटर्न जल्दी होगी। तो अभी बस ट्रेन स्टेशन की साइड पे ही जा रही हूँ जहाँ से निकल के। तो यस, लेट्स गो। शॉप मैंने आपको दिखाई थी कि खुलने वाली है, देखिए खुल गई। स्नीक पीक थोड़ा सा मैं अंदर से दिखाती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। और डीजे भी आ गया है, आज ओपनिंग है आई थिंक। मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि मतलब मैं लेट हो जाऊँगी और मैं लेट नहीं होना चाहती, वो आना जाए। तो यहाँ से निकलती हूँ, या पीछे डीजे है, लेडी डीजे। ब्लू जोन है वहाँ पे, रेड जोन है वहाँ पे भी, आगे भी है। आई नो आइडिया वो कहाँ से आएगी। जब मैं आती हूँ आई थिंक यहाँ से जाती भी हूँ, कभी आती भी हूँ, तो दोनों साइड से लोग आ जा रहे हैं, तो मैं यहीं कहीं खड़ी हो जाती हूँ। तो अभी मैसेज उसका नहीं आया कि वो लोग आ गए, मैं एक्चुअली कॉल ट्राई करती हूँ करने की, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ पे हैं, लाइक कहाँ तक पहुँचे हैं वो लोग। तो अच्छा है, ट्रेन स्टेशन काफ़ी बड़ा बनाया है मैंने, तो थोड़ा सा ये सहूलत हो जाती है कि अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना हो और ट्रेन का रास्ता पता हो, लाइक ट्रेन से डर नहीं लगता और अपना रूट पता हो, तो आप जल्दी से पहुंच सकते हो। तो ये सब मैं बस उसको कॉल करती हूँ, कॉल कर ली है, वो अभी एक स्टॉप दूर है, तो कह रही थी जब आएगी तो मुझे बता देगी। तो मैं अभी यहाँ कहीं पर बैठती हूँ और जब आएगी तो फिर मैं उसको मिल लूँगी। जा गया है कि वो बस अब ट्रेन से उतरने लगे हैं, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता रेड या ब्लू जोन या उधर पीछे से आएंगे, तो मैं दोनों साइड्स पे देखूंगी कि वो कहाँ से आएंगे। करती हूँ मैं यहाँ ब्लू जोन में खड़ी होती हूँ या रेड जोन पे खड़ी हूँ, ब्लू जोन में खड़ी होती हूँ शायद यहाँ से आए, आई डोंट नो। यहाँ से लोग आ रहे हैं तो वहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो यहीं से मैं यहीं पर मैं वेट करती हूँ, देखती हूँ कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग।
ब्लू जोन में ये देखें, यहीं से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर उसकी अभी ट्रेन आई है तो आई एम गेसिंग यस आई कैन सी हर, आई कैन सी हर. For the purpose of security and safety, please note that Birmingham New Street Station operates 24-hour CCTV monitoring. This includes all municipal routes. Hello. मेरा आगे नेफ्यू, इसका नाम है इर्तजा, इर्तजा से हेलो टू एवरीवन. हेलो. तो आज इसका है यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में थोड़ा सा प्रोसीजर. तो हाउ आर यू फीलिंग? ऑलराइट या. और हाँ, इसका भी एक छोटा सा गेमिंग चैनल इसने खोला हुआ है, उसका लिंक भी मैं बिलो यहाँ पे लगा दूँगी. जिनको प्ले स्टेशन वगैरह का शौक है तो ये कुछ करता है. व्हाट डू यू डू? प्ले गेम्स ऑन इट. ये काफ़ी यहाँ पे ट्रेंड है. अरमान भी देखता है जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो उनकी वीडियोस, तो मैं लिंक ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी. और अभी हम निकल रहे हैं. आई थिंक सो मैंने शिवानक को गलत रास्ता बताया, मैं दूसरी साइड से आई थी. पर स्टिल ये अभी टाउन में ही जाता है साइड. एंड यू नर्वस कुछ हाँ, ये मेरी तरफ से डरता है. नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. सो बट डोंट वरी, all will be good and we'll be over and done soon. Okay? Yeah. So 12 o'clock इसका होगा प्रोसीजर और अभी बजे हैं 10. तो वहाँ पास 1.5 hours, आधा घंटा तो वहाँ निकल जाते हुए लग जाएगा. तो अभी वो जो स्पोर्ट शॉप नई निकली है, मैंने इसको बताया, तो ये वो देखना चाहता है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा लड़कों के शूज़ वगैरह हैं, तो थोड़ा सा नर्वस है, डरा हुआ है. और इससे मैं ज़्यादा फिल्म भी नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी नर्वस है. इसके थ्रोट में कैमरा वगैरह डालेंगे ना, तो छोटा बच्चा है तो डर जाता है. शॉप है, बहुत ही अच्छी है, डिज़ाइनर्स है और रीजनेबल प्राइसेस, लाइक नाइस प्राइसेस भी हैं. लाइक अब ये मसला नहीं होगा कि अरमान के अगर मुझे कपड़े वगैरह या अली के लिए कुछ लेना हो तो यहाँ से मैं ट्राई देख सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ. एंड हाँ, वेरी गुड. हर डीजल भी है, हिल फिगर जो हमारी फेवरेट है वो भी है, बॉस, गैस, गुची, डीजल, विच इज़ वेरी गुड. हालांकि स्पोर्ट्स डायरेक्ट ऐसा करेंगे नहीं पता था. और नाइस बनाई है ने. Why, what's in number two? Number two has got kids, football. Football. You want to look at the football? Running or whatever. Oh, and you've got games on the bottom floor. And then you've got games. You've got gaming. You've got a gaming area. एक्साइटेड. चलो, खुश तो हुआ. At the very right. base level, you can just try out the arena. You can just get on a station, rent it out for an hour or 2 hours, however long you want to do. So you can play here? Yeah, play whatever they want. Oh, okay, it's like a cafe kind of a thing. Like, yeah, they have a cafe, so they've got like PlayStation ones. Oh, that's great.
वैसे गेमिंग कोई एरिया है तो ये यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा ये आइडिया है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, मैंने देखा। ये भी कह रहे हैं कि ये सेकंड वाला है यूके में, तो ये देखिए ये प्रॉपर सेटअप्स हैं, चेयर्स हैं और हर किस्म के स्पाइडर मैन की हम गर्स की मतलब गेम्स हैं प्रॉपर। बच्चा आके अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो बच्चा यहाँ आके बैठ के खेल सकता है, लाइक जो टीनेजर्स होते हैं। और बहुत ही प्यारी सीट्स हैं, पार्टीज भी हो सकती हैं, फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं और ऑब्वियसली इट्स गेमिंग, सो बच्चे तो गेमिंग बहुत पसंद करते हैं। इर्तज़ा भी आके बड़ा खुश हुआ है और इर्तज़ा की भी बर्थडे है 17 मई को, तो कोई शबाना पता कर रही है कि यहाँ पे लाइक बुकिंग का क्या सिस्टम है। तो अभी चूँकि नई खोली है ना तो ऑफर्स भी लगे हुए हैं, बट ये इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। तो यहाँ पे इस वीकेंड क्योंकि नया खुला है तो डील लगाई हुई है कि आधा घंटा हर बच्चा फ्री खेल सकता है। इसके बाद ऑब्वियसली इन्होंने पैकेजेस किए हैं तो इर्तज़ा जो है ना वो खेलने लगा है, उसने कोई गेम सेटअप कर ली है। मैं पूछती हूँ इर्तज़ा विच गेम आर यू प्लेइंग? स्पाइडरमैन। ओके, तो स्पाइडरमैन खेलने लगा है और मैं अभी ट्राई करती हूँ बनाने की, ट्राई नहीं मैं बनाती हूँ इसकी। इर्तज़ा लुक एट मी। उसका मिशन इसको मिल गया है और ये अभी मिशन पे जा रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अरमान ने ये देख ली ना तो कहेगा मुझे अभी जाना है यहाँ पे, और नहीं लेकिन अच्छी जगह बनाई है, पीसफुल है। लेकिन बहुत रश, जब अभी अभी ये खुली है तो ज़्यादा, जैसे हमको नहीं पता था, अंदर आए तो पता चला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगी क्योंकि हर टीनेजर, हर बच्चा, हर बड़ा क्या बच्चा क्या सब खेलते हैं गेम्स। जैसे ये अभी इर्तज़ा आया खेलने लगा है और अभी ऑब्वियसली ये पूरी एक ये वीकेंड तक फ्री है, हाफ एन आवर, बहुत रश होगा। और पैकेजेस भी इनके ओके हैं, वो कह रहा था पता नहीं 20 पाउंड्स का, पता नहीं एक वीक के लिए है, पता नहीं कितने कितने घंटे, ये स्पेशल ऑफर्स हैं इनके। उसके बाद डिफरेंट प्राइसेस होंगी जब ये एक्चुअल प्रॉपर अप एंड रनिंग होगा। या इट्स अ वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड गेमिंग जोन, इसको गेमिंग जोन ही बोलूँगी ना। सुषमाना भी आ गई है, फिलिंग शिलिंग कुछ कर किया इसने, इसके बर्थडे के लिए पूछा तो डिटेल्स देनी थी। यहाँ पे कोई रिवॉर्ड कार्ड भी मिलता है, ये ओवर 16 की है गेम, तो आपको फॉर्म फिल करने पड़ते हैं क्योंकि जो इर्तज़ा है ना वो अभी 13 का और इस हफ्ते 14 का होगा। ये भी अच्छा किया है ना कि खेल सकते हैं लेकिन आप बड़े कंसेंट देने पड़ते हैं। What is it? Just say to them, can I enter the draw? It's a launch weekend in the morning, so we've got limited available, limited games available for play. Yeah, it's all okay, मैं भी जाके sign in करती हूँ अपना reward, अगर जीतती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर जीत गई कोई पता नहीं होता तो अरमान के काम आ जाएगा। स्पोर्ट्स कार्ड बनाना पड़ता है गेम वाला, मेरा था पर वो पोस्ट कोड वगैरह डाला तो नहीं मिल रहा, तो अभी ये नया दिया है, डिटेल दे दी है अभी, कार्ड भी ले लिया है, अच्छा पॉइंट्स वगैरह है तो बच्चों को भी फ़ायदा होगा यहाँ पे। ड्रॉ में एंटर हो गई, थैंक यू शुआना टिठल मी। Actually, can I have a card? Oh, one is the one. No, but I think so. You gave your first card, so you already have got one. Yep, I have one. Oh, no, you gave me a card. Did you card me last time? I already got one. पूरा आपको दिखाती हूँ, उसने उनने हमें कैसे बताया ताकि अगर किसी को यहाँ पे आना हो या पार्टी बुक करनी हो तो वो कर सकता है। यहाँ पे खाना भी अलाउ है, वो भी मैं दिखाती हूँ कहाँ पे आप ला सकते हो। वो स्टेशन बनाया है जहाँ आप अपने आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हो गेमिंग करते हुए,
और ये देखिए ये पूरे ये स्टेशन हैं, यहाँ पर बड़े टीवीज भी हैं, यहाँ पे ये आप गेम्स एज ए ग्रुप में टीम में भी खेल सकते हो, और ये सारा है दोनों साइड्स पे है, तो काफ़ी सारे है। अगर पूरी एक पार्टी भी आए पहले से बुक हुई हुई हो, वहाँ पे वो स्लश भी है, उसके ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, एंड आई थिंक सो ये देखिए चार्ज भी कर सकते हो, एयर चार्जिंग है तो अच्छी बात है, और लैपटॉप्स भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे भी बड़ा टीवी है, और ये इट्स लवली। और शिपाना भी अपना बना रही है कुछ अपने स्नैप के लिए, तो इट्स अ बिग रूम, ऊपर की लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। और अभी हमें मुझे पता चला है वहाँ स्क्रीन पर भी लिखा है इट इज़ £20 पर मंथ अनलिमिटेड आवर्स विच इज़ नॉट बैड। अगर बच्चा यहाँ पे आता रहे खेलता रहे तो ठीक है, हम तो कभी कभी बच्चों को लेके आते हैं, लाइक टाउन में मैं अरमान को वेरी लेस लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों की शॉपिंग होती है, बच्चों की तो होती नहीं है। और अभी ये जितना आपको क्वाइट लग रहा है ना, जब सबको पता चलेगा ना के बारे में तो इतना रश होगा। अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि गेम खेल चुका है काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे हैं, तो वेरी लवली वेरी नाइस प्लेस, सो वी गोइंग आउट नाउ। मुझे और शिपाना को थोड़ी सी भूख लगी है, शायद खा के फिर आगे चलें। अभी शूज़ भी देख रहे हैं क्योंकि हम आते साथ ही इधर घुस गए, ऑब्वियसली बच्चे ने वो जगह देख ली तो घुस गया वहाँ पे, अभी थोड़ा सा देख के बाहर निकलते हैं। अंदर जब हॉस्पिटल जाएंगे इसकी जो डे सर्जरी है उसके लिए, तो शिपाना और मैं, ज़ाहिर शिपाना भी सुबह सुबह आई है ट्रेन पे और मैं भी सुबह सुबह निकली हूँ, तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो शिपाना ने यहाँ से अभी वो चिप शॉप जो होती है अच्छी वाली ये वाली, तो असम चिप्स, तो यहाँ से चिप्स लिए हम लोगों ने, और वहाँ आगे से बगैट ले लेंगे, तो वहाँ कैंटीन में बैठ के खा लेंगे, क्योंकि हालांकि इसकी सर्जरी जो है वो जो प्रोसीजर है इसका 12 o'clock होगा, पर 11 बजे हमें जाना पड़ेगा क्योंकि इसको कोविड टेस्टिंग भी करनी है, उसके बगैर ये अंदर जा नहीं सकता, उसको भी टाइम लगता है। कोविड टेस्ट भी करना पड़ेगा, ओके ऑलराइट दैट्स ऑलराइट। यू गॉट कोविड देन, आई हैव गॉट माय डिजिटल कोविड पासेस, वुड दैट हेल्प? नो, चलो जो भी प्रोसीजर है नो वरीज, पर मुझे कोविड टेस्टिंग अच्छी नहीं लगती, बट इट्स ओके, गला खराब हो जाएगा, चलो कोई नहीं, आई थिंक इट हैज टू द नोज ओनली, ओके वेल जो भी है, सॉरी डोंट वरी, आई विल हाँ बस जा रहे हैं, यहाँ से निकले ना।